तो दोस्तों 27 अगस्त से भी हमें एशिया कप का आयोजन यूएई की सरजमीन पर देखने के लिए मिलने वाला है, जिसके लिए भारतीय टीम ने अपनी स्क्वाड की घोषणा कर दी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि किन खिलाड़ियों को मौका मिला है टीम में और किन खिलाड़ियों के हाथों में भैया निराशा लगी है। दोस्तों अगर बैट्समैन की बात करें तो भैया पहले नंबर पर है रोहित शर्मा, जो कि हैं टीम के कप्तान। केएल राहुल वाइस कैप्टन होने वाले हैं और साथ ही रोहित शर्मा के साथ ओपन भी करते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों बात करें अगर तीसरे खिलाड़ी की तो तीसरे नंबर पर हैं भैया विराट कोहली, चौथे नंबर पर हैं सूर्य कुमार यादव, पांचवें नंबर पर हैं भैया दिनेश कार्तिक और छठवें नंबर पर हैं ऋषभ पंत। दोस्तों ये होने वाले हैं भारतीय टीम के टॉप बैट्समैन, जो कि हमें एशिया कप 2022 के लिए टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, क्योंकि भैया टीम में ऑलराउंडर्स का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है एक टीम को अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए। इसलिए दोस्तों टीम इंडिया ने वैसे काफी अच्छे ऑलराउंडर्स को टीम में शामिल किए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑलराउंडर के रूप में टीम में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और दीपक हुड्डा को मौका दिया गया है। दीपक हुड्डा दोस्तों मेरे ख्याल से काफी अच्छे विकल्प माने जा सकते हैं T20 के लिए, क्योंकि भी हमें देखने के लिए मिल चुका है कि दीपक हुड्डा ने अपने आप को प्रूव भी किया है कि वो T20 के लिए काफी अच्छे विकल्प रहने वाले हैं भारतीय टीम के लिए। हालांकि उन्हें मौके नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं लगता कि उन्हें मौके दिए जाएंगे, पर दोस्तों उन्हें टीम में रखा गया है ये काफी अच्छी बात है। दोस्तों अब बात करते हैं भैया बॉलर्स की, क्योंकि टीम में बैट्समैन ऑलराउंडर्स के साथ साथ बॉलर्स की भी काफी ज्यादा अहम रोल रहता है, इसलिए हम बात करेंगे बॉलर्स की। उससे पहले दोस्तों आप लोग को ये बात बता देते हैं भैया कि जसप्रीत बुमराह जो है एशिया कप से बाहर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों जसप्रीत बुमराह भी रूल्ड आउट हो गए हैं, क्योंकि भैया शायद उन्हें चोट लगी है या फिर क्या रीजन है ये अभी खुलकर पता नहीं चला है। फिलहाल अभी तो यही बोला जा रहा है कि भैया चोट के चलते जसप्रीत बुमराह एशिया कप से बाहर हुए हैं, क्योंकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह भी टीम इंडिया के मेन बॉलर हैं, इसलिए टीम इंडिया किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता है जसप्रीत बुमराह को लेकर आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। इसलिए दोस्तों जसप्रीत बुमराह को भैया एशिया कप के लिए चयन नहीं किया गया है, उन्हें भैया फिटनेस के लिए NCA भेज दिया गया है। दोस्तों बात करें भारतीय टीम के स्क्वाड में बॉलर्स की, तो भैया आप देख सकते हैं कि भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, आवेश खान, रविचंद्रन अश्विन, आर विश्नोई और युजवेंद्र चहल को मौका दिया गया है। जहां तक मुझे नहीं लगता कि भैया टीम इंडिया ने कुछ ज्यादा स्पिनर्स के ऊपर भरोसा जता दिया है, क्योंकि ऑलराउंडर्स में भी रविंद्र जडेजा स्पिनर्स के रूप में है, इसलिए मुझे लगता है कि यहां पर एक और फास्ट बॉलर को मौका दिया जाना चाहिए था और रवि बिश्नोई और आर अश्विन के जगह पर किसी एक फास्ट बॉलर को टीम में ले लेना था। लेकिन दोस्तों अभी टीम इंडिया के ऊपर अभी क्या उन्होंने क्या रणनीति बनाई है, उन्होंने क्या सोचा है, इसलिए उन्होंने 3-3 स्पिनर्स के साथ जाना उपयुक्त समझा। दोस्तों रिजर्व खिलाड़ी के रूप में भी टीम इंडिया ने श्रेयस अय्यर, दीपक चहर और अक्षर पटेल को टीम के साथ जोड़े रखना सही समझा है, जो कि भैया मुझे लगता है कि यहाँ पर दीपक चहर को मौके दे देने चाहिए थे यार, क्योंकि दीपक चहर ने अपने आप को प्रूव भी किया है T20 के लिए, क्योंकि वो किस किस्म के बॉलर हैं, किस किस्म के गेंदबाज हैं, बट ऐसा नहीं हुआ है, उन्हें रिजर्व खिलाड़ी के रूप में टीम के साथ जोड़ा गया है, जो कि दोस्तों ठीक ही है। आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी शायद दीपक चहर को टीम इंडिया का हिस्सा बनते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी भैया टीम इंडिया का पूरा स्क्वाड, जो कि हमें एशिया कप 2022 के लिए देखने के लिए मिलने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कमेंट कर जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि भैया किस खिलाड़ी को मौके नहीं मिलने चाहिए थे और किस खिलाड़ी को मौके मिलने चाहिए थे। वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।